आज मौसम काफी साफ हुआ है, आप देख सकते हैं। और मौसम साफ होने से फायदा ये हुआ है कि हमारे गांव में ही माउंटेन का नजारा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हिमालय व्यू का थोड़ा सा नजारा आपको दिख रहा होगा। टेंट में लग गई है, टेंट लगाना चाहिए था आपको, बताइए उठाया फायदा क्या फायदा इतना पाइप रख के जब आप टेंट नहीं लगवा पा रहे। पैसा नींबू बता सकता भाई, पैसा मांग रहा है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी के हमारे एक और नए ब्लॉग में, और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। फिलहाल मैं इस समय हूँ पटौना के मुन्ना मार्केट के तरफ, और आया था सिस्टर को छोड़ने, कुछ सामान लेना था, तो अभी वो अंदर गई है, लेके आती है तब तक गाड़ी हम लोग घुमा लेते हैं। और आज संडे है, और अभी हम लोग 15-20 मिनट से ढाले पे फंसे हुए थे क्योंकि क्रॉसिंग थी, तो इस वजह से ढाला बंद था और जाम बहुत ज़्यादा लगी हुई है। चलिए गाड़ी घुमाते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। और अब सब एक सामान भी देगी हमको, तो वो भी ले लेते हैं। और मार्केट में अगर आप जबरदस्ती नहीं करेंगे तो ऐसे ही फंसे रह जाएंगे, थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है। देखिए कोई रुक नहीं रहा है, अगर आप सोचे आसानी से गाड़ी निकाल लें तो शाम तक आप यहीं रह जाएंगे, क्योंकि सभी लोग इस भाग दौड़ वाली लाइफ में काफी बिजी हैं और कोई चाहता नहीं है कि मुझसे कोई आगे निकले। और देखिए अभी गाड़ी हम घुमा रहे तब तक आगे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये गाड़ी अपने घूम चुकी है। और एक दो दिन बाद रक्षाबंधन भी है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल आप ये, और ये वाइपर अचानक चालू हो गया है, तो अभी हम लोग मुन्ना मार्केट के ठीक सामने हैं, आभूषण ज्वेलर्स है सामने, और ये होलसेल गारमेंट है सेंटर, क्या नाम है इसका भाई, फैशन सेंटर। और इधर आप देख सकते हैं माँ का आशीर्वाद और राधिका गारमेंट्स, से पुराना वाला राधिका गारमेंट्स है, नया वाला यहाँ अब जा चुका है। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। सबसे खुशी की बात यह है कि आज हमने 100 ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है, हमने यानी हमने अपने YouTube चैनल पे लगभग 100 वीडियो अपलोड कर चुका है, और ये सब आप सभी के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते, हमारे ब्लॉग नहीं देते, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आता और शायद हम ब्लॉग ना बना पाते। तो अब सब सामान लेके आ चुकी है, और मामूली सा एक अस्तर लेना था जिसके लिए आधा घंटा हम लोग इस जाम में फंसे हुए थे, और सिर्फ एक मिनट का काम था। तो बाइक थी नहीं, इस वजह से हम लोग फोर व्हीलर से आए हैं, और अभी ये डाला खुला हुआ है तो जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से। अभी हम लोग सुभाष चौक पे हैं और रक्षाबंधन पे यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये सुभाष चौक है, और ये पानी की टंकी, और ये देखिए भाई कैसे हमारे जल्दी में है। यहाँ ऐसे यू टर्न लेने का कोई मतलब नहीं है, और यही वजह है कि ये लोग अक्सर डांट सुनते रहते हैं। देखिए कितने कंजेस्टेड जगह में ये यू टर्न लेके गए हैं, यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और ये अपोजिट साइड से भाई हमारे कैसे जा रहे हैं, और ये साहब भी आ रहे हैं, तो यही रीज़न है जाम लगने का। और ये बस आप देख सकते हैं मेन रोड पे ही खड़ी है, और यहाँ पुलिसकर्मी भी है। तो मार्केट से हम लोग घर आ चुके हैं, और ये रहा अपना घर, इस पर पेंटिंग का काम हो रहा है आपको पता होगा। और कल ये नीचे वाला हिस्सा रह गया था, ये पेंट नहीं हो पाया था क्योंकि मौसम डिस्टर्ब हो चुका था, और आज धूप अच्छी खासी हुई है तो आज ये फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ऊपर का पोर्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, और ये नीचे का एरिया है, यहाँ वाला हिस्सा थोड़ा सा रह गया, और नीचे एक रेड कलर का बॉर्डर देना है। तो जब ये सारा कंप्लीट हो जाता हो तो दिखाते हैं। फिलहाल हमारे आमिर बाबू मार्केट गए थे, लग रहा है वो आ चुके हैं। तो आज हमारे 100 ब्लॉग जो है वो कंप्लीट हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, और इसे आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और आज संडे का दिन है, इस वजह से ये रोड काफ़ी खाली है, नहीं तो यहाँ गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। और ये घर के ठीक सामने अपना मेडिकल स्टोर है, इस मेडिकल स्टोर का आप शॉर्ट्स डेली देखते होंगे एक ना एक। और ये हमारे पेंटर साहब, और गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं। आज संडे का दिन है तो एक पार्टी का प्रोग्राम रखा गया है, तो मेरे सारे दोस्त लोग लगभग जा चुके हैं, और मैं मार्केट गया था तो इस वजह से नहीं जा पाया हूँ। अभी 10-15 मिनट बाद वहाँ चलते हैं और वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो पेंट का काम अभी चल ही रहा है, और चलिए थोड़ा सा अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो ये हमारे घर में जाने का मेन एंट्रेंस है, और
ये गैलरी आप देख सकते हैं। चलिए पहले ये रूम दिखाते हैं। तो ये आने के बाद ये सेकेंड रूम है और इसका इस दीवार पे सीढ़न काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये पेंट बहुत जल्दी ख़राब होता है। और अभी 3 सालों पहले ये पेंट हुआ था और इस सीढ़न की वजह से ख़राब हो चुका है। इसका कलर चेंज कराया जा रहा है और एसी के वजह से इसको पैक किया गया था। और ये गैलरी का नज़ारा है। इस दीवार पे सीढ़न नहीं है तो ये सेफ है, देख सकते हैं। और इस दीवार पे काफ़ी सीढ़न होती है तो इस वजह से ये पेंट भी ख़राब हो चुका है। इसका पुराना पुट्टी पूरा निकाल के और नया पुट्टी इस पर भरा जाएगा। फिलहाल प्राइमर लग रहा है इस पर। तो ऐसे कुछ पेंट हो रहा है हमारे घर पे। और चलिए आप आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ हमारे दोस्त लोग पार्टी कर रहे हैं। तो पार्टी जो है वो हमारे नुमान भाई के टेंट हाउस पे हो रहा है, जो हमारे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे है। और ये बाइक अपनी स्वयं भी अगर पार्क हुई है। तो ये हमारे नुमान भाई का टेंट हाउस है, जिनको आपने अक्सर हमारे ब्लॉग में देखा होगा। और सारे दोस्त लोग की हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और ये है टेंट हाउस का इनका नज़ारा। और चलिए मिलवाते हैं आपको सब। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्री टाइम में लूडो खेला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। नुमान भाई आपका टेंट हाउस बहुत प्यारा है। ये फर्स्ट क्या है? ये क्या जीत भी गए क्या? ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये हार गए। ये हार गए। और इधर हमारे बावर्ची साहब खाना बना रहे हैं, फैसल भैया चिकन बना रहे हैं और दानिश भैया इनके हेल्पर हैं। तो हेल्प अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं सर आपका? ये बढ़िया से हेल्प कर रहे हैं, बराबर यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। तो आज मौसम काफी साफ हुआ है, आप देख सकते हैं। और मौसम साफ होने से फायदा ये हुआ है कि हमारे गांव में ही माउंटेन का नज़ारा दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हिमालय व्यू का थोड़ा सा नज़ारा यहाँ आपको दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का। ये जो तार देख रहे हैं आप इसके ठीक सामने, तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये हिमालय का व्यू है। और काफी खुशी हो रही है ये चीज देख के कि हम लोग के गांव में भी पहाड़ दिखने लगा है। हनुमान भाई नहीं देखा है जी? पहली नजर मैंने ही देखा है, पहला नजर हमारे फरीद भैया ने देखा है। और खुशी की बात ये है कि अगर ये नजारा हमेशा दिखेगा तो इसके ठीक सामने हम लोग कोई रेस्टोरेंट बना देंगे और हिमालय का व्यू दिखाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कितना क्लियर यहाँ से हिमालय का व्यू दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं आप। और पीछे ब्लैक कलर का हल्का सा पहाड़ का भी शेडो आ रहा है। काफी खुशी हुई ये चीजें देख के। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से और क्लियर दिख रहा है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना क्लियर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन है ये हिमालय का व्यू है। और हिमालय यहाँ से लगभग 500-600 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन मौसम साफ होने की वजह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। तो कैमरे में हालांकि इतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन आंखों से ये काफी क्लियर दिख रहा है। तो आपने आज का ये हिमालय व्यू देखा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खाना भी बन ही रहा है और खाने में डालने वाला जो फूड कलर होता है वो घट गया है। तो अभी हम लोग आए सैनिक कैंटीन यहाँ से लेने। और ये देख सकते हैं काफ़ी देर से मेरे हाथ पे बैठी हुई हैं, तो इनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए भाई फूड कलर लेते हैं चावल के जायके को बेहतरीन दिखाने के लिए। तो ये सैनिक कैंटीन है। तो ये सैनिक कैंटीन है जो हमारे गाँव में स्थित है और काफ़ी अच्छा, ये शॉपिंग मॉल टाइप का आप समझ सकते हैं। यहाँ आपको खाने पीने वाली हर सामान मिलने वाली है, तो आप यहाँ ज़रूर आए। तो हमारा कलर मिल चुका है, चलिए इसको ले चलते हैं। यही चाहिए ना सर? हाँ यही चाहिए। चलिए, तो इस छोटे से चीज़ को हम लोग लेने आए थे, रंगीला। रंगीला को डाल के चावल हम लोग रंगीला किया जाएगा। तो हमारे पीछे है सैनिक कैंटीन और ये हमारे दोस्त जो गए हुए थे ड्यूटी पे। तो छुट्टी लेके आए क्या? अरे नहीं, 3 बजे के बाद सबको बोल दिए हैं, खा पी के जाएंगे आराम से। चलिए भाई अच्छा। और ठीक सैनिक कैंटीन के बाहर है हमारे महान टेंट हाउस, यानी हमारे नुमान भाई का टेंट हाउस है। तो चलिए चलते हैं खाने पीने। तो खाना बन के रेडी हो चुका है और बैठने के लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। टेबल लग रहा है, चेयर लग रहा है, भैया इधर आइए। तो हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ बर्तन का और बैठने के लिए टेबल के लिए बिल्कुल हम लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके गढ़ में है हम लोग। तो कोई दिक्कत हुई है कि नहीं आपको खाना बनाने में? कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू, यहाँ पे फैन वैन सब है, अवेलेबल है एकदम। और सुने आपको पलटा नहीं मिल रहा था? अब पलटा बहुत छोटा था, हाथ तो एकदम जल गया है। तो भाई के हमारे हाथ कई जगह जल गया है, तो इनको अच्छा पीस खिलाया जाएगा। हमारे घर से खाना छाट के आए हैं, तो ये खाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं सिर्फ 10 पीस ही खाएंगे। तो 10 पीस में हो जाएगा सर? नहीं नहीं 10 पीस नहीं है, बोला हूँ 12 पीस। नहीं नहीं नहीं
मुश्किल से 81 से 2 पीस खाएंगे, यानी 81 से 82 पीस बस खाएंगे। और ये हमारे आसिफ भैया, आपका क्या एस्टीमेट है? इरादा नेक, इरादा नेक करी अल्लाह, यहाँ से हटते हैं नहीं तो हमारा घट जाएगा। ग्रुप में मैं सबसे छोटा हूँ और फिलहाल यहाँ हमारे नुमान भाई। हाँ भाई, ऐसे जगह आपने पार्टी का प्रोग्राम रखा है जहाँ हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हुई है। अरे हमारा प्रोग्राम ऐसे ही रहता है जी। यहाँ बड़ा सा एक टब भी है, इसमें हम लोग पानी भर के रख लिए थे, चावल यहाँ टेबल लगवा दिए साहब हमारे। तो ये क्यों नहीं लगवाया? वो लगेगा जो खाने के बाद सब लोग एक एक लेके जाएगा। ये आप गिफ्ट में देंगे? हाँ गिफ्ट में देंगे, सामने जाके रख देना। धूप इतना तेज है, आप ये भी लगवा दिए होते, अगर टेंट लगवा दिए होते तो ऊपर वाला पूरा देखो टेंट में लाग गई है। टेंट लगाना चाहिए था आपको, बताइए क्या फायदा इतना, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्या फायदा इतना पाइप रख के जो आप टेंट नहीं लगवा पा रहे? पैसा नींबू बता सकता है भाई, पैसा मांग रहा है ये, ध्यान दीजिए भाई, नहीं लगेगा हम लोग नहीं लगेगा। और यहाँ सलाद काट रहे हैं हमारे फरीद भैया, देख सकते हैं कितना इन्होंने प्याज काटा है। ये प्याज जो है इसको दाल चावल के साथ खाई, खाना बनाते हैं क्या? कभी नहीं भाई, इसी वजह से प्याज ऐसे कटा है। और दानिश भैया हमारे काफी मेहनत किए हैं, खरीद फैसल भी एक साथ हमारे ये पूरा लगे हुए थे, हेल्पर का काम किए हैं, तो पैसा भी मिलने वाला है क्या? पैसा पैसा नहीं है, कौन देगा? खरीद देंगे, वो नहीं दिए तो मिल चुका। भाई हमारे नींबू खा के जगह बना रहे थे, और जैसे हम लोग इनको कैमरे में कैद करने के लिए आए तब तक ये नींबू फेंक दिया है। भाई थोड़ा आराम से खाइए प्लीज, सादगी के साथ खाए जाएंगे। खाना तैयार हो चुका है और लग रहा है फैसल भी हमारे पड़ोस रहे हैं, और अच्छा वाला प्याज जो है वो हमारे आसिफ भैया ने अपने प्लेट में रख लिया है, और ये जो बचा कुचा वाला है वो हम लोग के लिए है। और हमारे दानिश भैया जो पानी निकाल रहे हैं, उन्होंने ये नींबू काटा है, और नींबू ऐसा काटा है कि एक भी रस इसमें से नहीं निकला अभी तक। दानिश भैया एक बूंद भी इसमें से रस नहीं निकल रहा है, तो इसको ये अपोजिट साइड से काट दिए, यानी गलत साइड से काट दिए, इस वजह से इसमें से देख सकते हैं आप एक भी बूंद इसमें से नींबू नहीं गिर रहा है। मैं इसको पूरा दबा रहा हूँ, तो हर चीज में टेक्निक चाहिए हमारे दानिश भैया। और ये रोटी, रोटी कौन काटा है? ये दानिश काटा है। और ये रोटी देख सकते हैं आप कितना स्टाइल में इसको काटा गया है। दानिश भैया ये खा भी लिए हैं क्या इसमें से आप? गजब बेइज्जती है, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। तो चलिए खाना शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। खाना हम लोग खा चुके हैं और पार्टी भी एंड हो चुकी है, और टिफिन में हमने अपने सोए भैया के लिए खाना भी पैक करा लिया है। तो चलिए चलते हैं अब घर के तरफ। बर्तन भी धो दिया, और हनी ने बर्तन भी धो दिया और काफी साफ बर्तन धोया इसने। तो चलिए पार्टी करके हम लोग घर आ चुके हैं, और पेंट का काम लगभग फाइनली होने वाला है, नीचे का बस रह गया है, ये बॉर्डर देना है सिर्फ। तो ये पेंट कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं, हालांकि थोड़ा सा तड़क भड़क हो गया है, लेकिन इससे पहले जो पेंट हुआ था वो लाइट कलर में हुआ था, और वो अम्मी को पसंद नहीं आ रहा था, तो इस वजह से अम्मी के पसंद से इसमें डार्क कलर कराया गया है। तो ये पेंट आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। तो फ्रंट वाले पेंटिंग का काम कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं, तो चलिए कुछ अपने अंदाज में आपको दिखाते हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।